ऑल नमस्ते. सो दिस इज़ हर्षा फ्रॉम वनाहा ऑर्गेनिक्स एंड हर्बल्स. तो जैसा कि हमारे लिए फिर से आज मोदी जी का पैगाम है कि आज हम रात को 9 बजे सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपनी बालकनी में दिए जलाएं, कैंडल्स जलाएं या फिर टॉर्च जला लें. तो आज हम लोग सभी, मैं इसलिए इकट्ठी हुई हूँ कि आज हम लोग सभी इस चीज़ को एक फेस्टिवल की तरह मनाएं. इसका कोई सेंस हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे सारे सबके दिलों में, सारे भारतीयों के दिलों में ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ लाएगा और हम सभी को इस बहुत मुश्किल की घड़ी में हमें जीने की एक नई राह देगा, नई उमंग देगा. और मुझे लगता है हम सभी भारतीय एकजुट होकर के बहुत अच्छा काम करेंगे ये, और लोगों में ये पॉजिटिव स्पिरिट आएगी. काफ़ी सारे मैंने पोस्ट देखे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं. कोई कुछ कह रहा है, कोई अच्छा इससे ये मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं. इस पे क्वेश्चन मार्क करने से अच्छा है इंसान खुश रहना सीखे, और ये खुशी का ज़रिया है. इतनी मुश्किल की घड़ी में भी हम लोग खुश रह रहे हैं. हम उन डॉक्टरों को और पॉजिटिव कर रहे हैं, वो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको पॉजिटिव कर रहे हैं. तो मुझे लगता है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए रैदर देन जो इतने सारे लोग लगे हुए हैं उसके पीछे कि भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. तो दिस इज़ नॉट गुड एक्चुअली. सो आई एम हियर टू से ऑल दोज थिंग्स कि एज अ वाना ऑर्गेनिक्स की सीईओ होने के नाते मैं खुद भी ये जला रही हूँ, और आपको भी बोलूँगी कि आप भी रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए वो सारे दीप प्रज्वलित करें और इसको एक उमंग और त्यौहार की तरह मनाएं. कुछ हो ना हो लेकिन हमें एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारी एकता पता चलेगी कि हाँ, हम सारे भारतीय एक साथ हैं इस मुश्किल की घड़ी में भी COVID-19 से लड़ने के लिए, और हम सब और पॉजिटिविटी लाएंगे और उसके साथ मुकाबला करेंगे. सब घर में रहेंगे, स्टे सेफ. और प्लीज़ 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 आप सबसे विनती है, पिछली बार की तरह इंदौर वासियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप घरों से बाहर निकल के पटाखे मत फोड़ने लगेगा या होली मत जलाने लगेगा. ये एक हमारा, हम इसे पर्व की तरह मनाएं और अपने अंदर के विश्वास को जगाएं कि हाँ, हम इससे लड़ सकते हैं. आपको कुछ और हो ना हो, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ही बढ़ती है. ये बात कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगी और मैं उनको समझाना भी नहीं चाहती हूँ. उनको जो करना है करें, लेकिन प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि आप नहीं जला सकते मत जलाइए, पर इसके ख़िलाफ़ भी मत बोलिए. क्योंकि इससे अच्छा है कि आप चुप रहें, थूकने और पत्थर फेंकने और किसी को नुकसान पहुंचाने और उसके बारे में गलत धारणा करने से, तो अच्छा है हम दिया जला लें. दिया जला लें, आप अपने घर में भी जलाते ही थे पहले, जब ये लाइट्स नहीं हुआ करते थे तो आप जलाते थे ना, तो जला लीजिए प्लीज़, क्या जा रहा है उसमें, ठीक है. तो बस यही मेरा निवेदन है. और उसके साथ ही कुछ चीज़ें और सामने आई हैं, जैसे सैनिटाइज़र के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं. तो प्लीज़ आप घर में सैनिटाइज़र मत यूज़ करिए. घर में सैनिटाइज़र यूज़ करने का कोई सेंस नहीं है. आपके पास साबुन है, आप उसको यूज़ करिए. और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है, लाइक काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है. ऑब्वियसली आप जो भी ब्रांड्स खरीदते हैं उसमें उतना मॉइस्चराइज़र नहीं होता है और उसके कारण से आपका स्किन जो है वो ख़राब हो जाता है, बर्न हो जाता है. तो आप जितने अगर सैनिटाइज़र यूज़ करते हो तो उतनी बारी आप ही, आप साबुन यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं हाथ धोने के लिए, तो आप साथ में उसके थोड़ी देर बाद आप उसमें क्रीम्स लगाइए या कुछ लोशन लगा लीजिए, तो उससे वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो बर्न नहीं होगा और आपका स्किन ड्राई नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा. तो यही मेरा आपसे, मेरे टिप्स हैं. सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड, और एक दिया जला लीजिए, प्यार के नाम का दिया जला लीजिए, कुछ तो करिए. तो बुराई करने से तो अच्छा है कि पॉजिटिविटी कुछ कर ले. तो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, बी ऑर्गेनिक, बी वाना. सो बाय बाय, टेक केयर.